ज्यादा के चक्कर लग रहा है क्या तेरे को? हाँ ज्यादा लग रहा है। पहले इस ना व्यू को देखो, हाँ ये व्यू के साथ ना ये जो पेड़ है ना ये ना ज्यादा वाले सुंदर लग रहा है। देख रहे हो ये उत्तरी पर गर्म हो रखे है, ये एक पता नहीं कील है ये पूरा अंदर घुस चुका है। So this is the morning time in Kerala. I just woke up and this is the view. Fog ho rakha hai har jagah. My viewers, welcome back to another new vlog. So, आज से लेकर अगले 5 दिन का हमारा रोड ट्रिप होने वाला है और डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब कि टेंपल जो है यहाँ पे साउथ इंडिया में हम विजिट करने वाले हैं। दिस इज द इंडिया मैप और मैं दिखाने जा रहा हूँ कि हम कौन से रूट से जाने वाले हैं वैसे। और राइट नाउ आई एम इन कोची, दिस इज कोची और आज हम जा रहे हैं वैसे मीनाक्षी टेम्पल जो की मदुराई पे, एंड दिस इज मदुराई, ठीक है। और कल हम निकलेंगे सीधा रामेश्वरम, ये रहा रामेश्वरम, और रामेश्वरम के साथ साथ धनुषकोडी भी जाएंगे बिल्कुल पास ही में। उसके बाद हम जाएंगे कन्याकुमारी जो कि बिल्कुल नीचे, ये रहा, एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू त्रिवेंद्रम, ये रहा, एंड बैक टू कोची। सो ये पूरा रोड ट्रिप हमारा कम से कम 5 दिन का रहेगा, बट एक्स्ट्रा हमने एक दिन ले रखा है, सो कम से कम 5 या 6 दिन हमें लग सकता है। बाप रे बाप, ये हमारा 5 दिन का इतना ज्यादा लगेज है, ये देखो यार 1 2 3 4 5 6 7 मेरे पास है, 1 8 8 बैग है, हम 5 दिन के लिए पैक कर रहे हैं। ये मुझे दे दो, ये तो ले रहा जाने पर किन लेके जाने, ये मोला दे देना माथे में रखने पर चल ले छाता रहा से भीतर फुल था यार गाड़ी में पहले से सीट बुकिंग चल रही है यहाँ पे, मम्मी ने बोल दिया खिड़की के साइड में बैठे मम्मी। आज हम जा रहे हैं वैसे मदुरई, जहाँ पर है मीनाक्षी टेम्पल, वैसे आज हम मीनाक्षी टेम्पल विजिट करने को जा रहे हैं। और कोची से है मदुरई तक अराउंड 270 किलोमीटर, जाते वक्त ना रास्ते में पड़ता है मुनार, एक्चुअली डायरेक्ट मुनार नहीं पड़ता है, मुनार के पास से होके हम जाएंगे, ये रहा ये मुनार है, सो मुनार के बिल्कुल नीचे से होके हम जाएंगे ये वाले रोड से। और वैसे ये 5 डेज का जो जर्नी है ना थोड़ा हेक्टिक होने वाला है सारे फैमिली के लिए, और सबसे ज्यादा जीजाजी के लिए, इधर बैठे हुए ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि पूरे 5 दिन जीजाजी ड्राइव करने वाले और मुझे नहीं देंगे गाड़ी क्योंकि भरोसा नहीं है किसी का मेरे ऊपर किसी का। और दीदी तो डायरेक्ट बोलते हैं भाई को मत देना गाड़ी। गए हो क्या पहले मीनाक्षी टेम्पल? अच्छा ये फर्स्ट टाइम जा रहे हो? जीजा जी गए, मैं गया। अच्छा जीजा जी तो यार साउथ में रहते हैं कम से कम 10 साल हो गए इनका, यही पे जॉब कर रहे हैं, तो ये तो मतलब ऑलमोस्ट सारा प्लेसेस मतलब सारे प्लेसेस घूम चुके हैं। और हम वैसे जब लास्ट टाइम आए थे ना फैमिलीज के साथ तो हम मुनार गए थे उस वक्त, और वारकला मतलब की सारे प्लेसेस हम गए थे, फिर से मैं आया लास्ट ईयर, एंड आफ्टर दैट अगेन वी जस्ट, इस बार का जो प्लान था ना ये स्पेशल इसी चीज के लिए था कि ये जो 5 डेज जर्नी है हमारा तो इस चीज के लिए हम यहाँ पे आए हैं। क्या कर रहे हो मम्मी आप? क्या कर रहे हो? मेरा व्लॉग देख रहे हो? जब भी मेरा व्लॉग रिलीज होता है ना सबसे पहले वाला आई मीन जो सबसे फर्स्ट व्यूअर रहता है वो है मेरी मम्मी, जब भी मतलब टाइम मिलता है उनको, अभी तो टाइम ही टाइम है वैसे वेकेशन पे। ए ब्रो मिस कर रहे ब्रो, यू आर मिस्ड, या ब्रो यू आर इन व्लॉग, ओके ठीक है चलो ब्रो एंजॉय एंजॉय एंजॉय। आज वैसे 4th of March तो 8th of March को है होली, तो हम क्या होली तक के रिटर्न आएंगे या फिर क्या? होली नाइट को पहुंचेंगे। होली नाइट को? अच्छा तो यार हमारा होली खेला नहीं होगा यार, त्रिवेंद्रम में खेल सकते हो ना, त्रिवेंद्रम है ना, तो शायद मे भी सर एक्सटेंड हो सकता है एक दिन
अगर हम ट्राई करेंगे, अगर इनकेस उसी दिन अगर आना पड़े ना, हम खेल खेल के आते गाड़ी पे पूरा गाड़ी का रंग लगा के आएंगे हम। सो गाइस, ये महिंद्रा का डुप्लीकेट वर्जन ये रहा, महिंद्रा। अनुपमा, ये रहा अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा बस ये रहा। किसका किसका फेवरेट? तेरा फेवरेट है? अनुपमा वाले लाइक करो इस वीडियो को, जो जो देखते हैं अनुपमा। अभी हम वैसे शॉर्टकट लेकर जा रहे हैं, शॉर्टकट रास्ते से हम जा रहे हैं, और ये जो रास्ता है एक्चुअली ये बहुत ही मतलब कि ना ओपन रास्ता है, फ्री रास्ता है, ये रहा छोटा सा है। त्यो के थिएन होला डकुमेन्ट्सहरू? होइन, उता अगाडि सिट बेल्ट, अरे मेरो लगाऊ है सिट बेल्ट। केटाकेटा मात्रै देखो भने नि त डाउट। सो गाइस, अभी क्या हुआ ना, जैसे कि मैंने जैसे कि बताया, ये जो रास्ते से हम जा रहे थे ना, ये एक्चुअली पूरा फॉरेस्ट एरिया है, और फॉरेस्ट एरिया से ना मतलब चालान लगता है टैक्स का ना, रोड टैक्स। तो बका हामीलाई दिन्छ होला नि, चेकिंग चल रहा था, तो वहाँ पे ना कुछ लोग थे, वहाँ पे लड़के लोग, तो उनसे पैसा लिया गया, और हमारा मतलब जो वो है ना नंबर प्लेट हमारा लिया नहीं गया, फाइन कटा गया है जो चालान के साथ। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, फाइन कटा गया ना, पैसा लिया है उससे, लीगली लिया है, लीगली लिया है ऑब्वियसली यार, दारू पी के चला रहे थे या फिर कुछ ना कुछ, हेलमेट नहीं पहना था या फिर सीट बेल्ट नहीं लगाया था। हाँ, गाड़ी चला रहा था, हेलमेट कहाँ से? अरे मैं वो बोल रहा था, अगर इनकेस मैं बोल रहा हूँ, अरे नहीं मुझे फिर कंफ्यूज कर दिया इन लोग, मैं ये बोल रहा था कि ये रोड पे पुलिस रहते हैं और यहाँ पे चेकिंग चलता है और लीगली यहाँ पे फाइन होता है, बस यही कहता हूँ गाइस, बस यही बताना था। वैसे हमारा जो गाड़ी था, गाड़ी का नंबर नोट किया गया और हमें कहा कि जाने को। ओए ज्यादा के चक्कर लग रहा है क्या तेरे को? हाँ, ज्यादा लग रहा है दीदी को यार, ज्यादा चक्कर लग रहा है, तो इस कारण से दीदी ने कहा कि थोड़ा से यहाँ पे रुकने को, तो हम यहाँ पे रुके हुए। वैसे यहाँ पे एक डैम है, डैम का नाम पता नहीं यार, मैं एक्चुअली ना मेमोराइज कर नहीं पाया, याद नहीं कर पाया, और बहुत ही बड़ा डैम है, यहीं से मैं दिखाता हूँ, ये रहा, ये यहाँ तक पूरा डैम का पानी है, बहुत ही अच्छा है। और ये पहाड़ के ना उस साइड में मुनार, ज़्यादा दूर नहीं जा, कम से कम यार 50-60 किलोमीटर के रेंज में। सो दिस इज द डैम, ये पूरा फुल है, पानी फुल हो रखा है। ये बहुत ही गलत बात है, ये यहाँ पे पीछे दोनों कपल है, ये देखो एंजॉय कर रहे हैं, और आगे भी दो कपल है आइसक्रीम खा रहे, ये रहा ये दोनों को देखो, और मैं बेचारा अकेले यहाँ पे घूम रहा हूँ। ला ला मत खाना, थैंक यू। सो राइट नाउ वी आर इन तमिलनाडु, एंड हम यहाँ पे रुके हैं लंच के लिए, चिल एंड बर्ग होटल एंड रिजॉर्ट। तो बाकी सारे चले गए अंदर, जा सकते हैं ये? हाँ ये जा सकते, ओ वाओ सही है, लुक एट इट गाइस, लुक एट दिस वन, दिस व्यू। आई थिंक यू आर स्टंट, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रहा है, जगह सुंदर है, जगह सुंदर है वैसे। हाँ, ठंडा ठंडा हवा है वहाँ से, ज्यादा ठंडा है केरला से ना, अभी फिलहाल मुनार पास है ना, यहाँ पे मुनार को जो एरिया है, तो वहाँ से मतलब ठंड हवाएं जो बहती है, तो इस कारण से भी थोड़ा ठंडा है। हाँ अच्छा लग रहा है, भूखे लग रहा है, लंच करना है अभी, लंच करना है अभी, तो हम फटाफट लंच करेंगे एंड इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना जर्नी।
सो अभी हम कर रहे हैं अपना लंच एंड अभी यार दोपहर के 2 बज गए और स्टिल 100 किलोमीटर इज लेफ्ट। तो पता नहीं यार आज मीनाक्षी टेम्पल जाना होगा या फिर नहीं। वैसे हम यहाँ पे वेज खा रहे हैं तो इस कारण से अगर जल्दी जल्दी अगर हम पहुँच जाए तो आज ही हम जाएंगे टेम्पल, नहीं तो कल सवेरे जाएंगे। तो और कितना टाइम लगेगा यहाँ से? 2 एंड हाफ आवर लगे, 2-3-4, 4 to 4:30 हो जाएगा शायद। और 4:30 में यार यहाँ पे कोई अंधेरा नहीं होता, शाम नहीं होता है, मान लीजिए ठीक ठाक धूप रहता है। सो गाइस हम बिल्कुल बीचों बीच है तमिलनाडु के और यहाँ पर व्हील पे शायद कहाँ पर है यार, किधर है? अच्छा ये रहा, ये देख रहे हो, देख रहे हो ये उत्तरी पर गर्म हो रखे है, ये एक पता नहीं कील है, ये पूरा अंदर घुस चुका है। सो अंदर घुसने के कारण ये अभी पंक्चर होना स्टार्ट हो गया, सो थोड़ा टाइम लगेगा पंक्चर होने में। आफ्टर दैट विल चेंज द व्हील, आगे थोड़े चलते हैं क्या, जब तक ये पंक्चर होते तो कम से कम 5 किलोमीटर हम निकालेंगे। तो चक्के के अंदर पे ये था फंसा हुआ, ये रहा, ये तो बहुत ही बड़ा है ये रहा। टायर बनने में कम से कम 1 घंटे का वक्त लगेगा, तो हमारे पास बस एक और एक्स्ट्रा टायर है, हम बस वो लगा के एक्चुअली जाने वाले थे। फिर से मतलब कि हमने सोचा अगर वो भी अगर पंक्चर हो गया ना रास्ते में तो यार हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, उससे मतलब और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। सो इस कारण से यार 1 आवर वी हैव टू वेट। और यहाँ पे दोनों बोरों के बैटरी, वैसे मम्मी और दीदी यहाँ पे हाँ बनाना पड़ेगा अभी, हाँ बना दो अभी, अभी समझ में तो आया नहीं क्या बोल रहे थे भैया, वैसे मैं जा रहा हूँ उनके पीछे पीछे। भैया जी ने कुछ तो लगाया अंदर से, पता नहीं क्या किया, बन गया वैसे टायर अभी हमारा। तो अभी हो रहा टाइम बगल ने माने कहा था ना नौ होती मेरा आधा खाना था ना कर से बोल के नहीं दे घर मत ले आना। 4:26 PM अभी टाइम आ गया 4:26 PM। सो 1 घंटा हो गया वैसे, और फिलहाल यार दाम वैसे बहुत लिया ना इस चीज का, कितना लिया 700 हमें, हमसे लिया गया 700 टायर रिपेयरमेंट का, जो मतलब की पंक्चर मतलब की बनाने का लिया 700 और प्लस बस खोल के लगाने का 100 लिया, और जो चीज लगाया ना उसमें जो स्टिकर जो लगाया था वो हमने गूगल, जो पैच था वो हमने गूगल किया था अमेजोन पे है, उसका दाम कम से कम 200 समथिंग था ना, 300 था। ठीक है चलो तो चलते हैं अभी फिलहाल, और कम से कम हमें लगेगा और अराउंड कितना 77 किलोमीटर है, और वैसे आज मंदिर जाना कैंसिल आई थिंक, नहीं आईएमएल है ना इधर, वो तो अगर यार माथी यार तो यार ना तीन देवी त्री देवी उड़े उड़े कलर का लाइट तू जन का साड़ी उड़े चा उड़े चा उड़े का चुनिंदे तो काय काम करने में आंचे यूनिफॉर्म वही ना है इसे वही ना guys if anyone watching this video from Tamil Nadu please tell me in comment section that what's going on here, okay, because we don't know what's going on.
सो गाइज गाइज इट्स इवनिंग 6:20 PM एंड जस्ट अभी आके हम पहुँचे मदुरई। वैसे ज़्यादा लेट हो गए और 7 PM को मीनाक्षी टेम्पल क्लोज्ड हो जाता है, इसलिए हम आज नहीं जा रहे। हाफ एन आवर टाइम पे यार फ्रेश होके वापस जाने सकते टेम्पल, इस कारण से हम कल सुबह जा रहे हैं मीनाक्षी टेम्पल। एंड वैसे हम रुके हुए हैं, मतलब हम रुक रहे इधर, ये रॉयल कोर्ट होटल है यहाँ पे मदुरई पे। गुड इवनिंग। ओके वैसे मम्मी बहुत ही ज्यादा थक गई, आपका ना चेहरा पूरा उतर गया, पूरा नीचे हो गया थकने के कारण। लेट हो गया ना सोने के लिए, नींद। आप ज्यादा टेंशन मत लो ना, टेंशन क्या लेते हो आप? टेंशन की वजह से आप रात को आप सोते नहीं हो, और रात भर आप ना मोबाइल देख रहे थे। अरे नहीं, मोबाइल देख रहे थे इसलिए नींद नहीं लगा। नहीं आप उल्टा बोल रहे हो, नींद नहीं लगा था इसलिए मोबाइल देख रहा था इसलिए आपको नींद नहीं लगा। नहीं वही है। तो वैसे हम अभी इनसाइड रॉयल कोर्ट होटल एंड जीजा जी गए हैं वैसे पार्किंग के लिए, एंड यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं जीजा जी का आने का, और हमारा सामान यहाँ पे रख दिया गया। आज का वीडियो यहीं पे करते हैं एंड वैसे हम अभी फिलहाल रूम के अंदर आ गए। एंड यार आज का जर्नी वाकई में बहुत सही था, आज का ट्रिप बहुत ही अच्छा था, थोड़ा हेक्टिक था बट इट वॉज वेरी नाइस। एंड ऑल्सो वॉच माई नेक्स्ट ब्लॉग, कल मैं जा रहा हूँ नीलाक्षी टेम्पल, उसके बाद हम जाएंगे रामेश्वरम, धनुषकोडी, उसके बाद कन्याकुमारी, उसके बाद आगे फिर से त्रिवेंद्रम, उसके बाद वापस बैक टू कोची। सो यार ये सारा ब्लॉग्स मेरा देखना, ठीक है? सो गाइज यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइज, आई विल सी यू सून इन माय अनदर नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन चलो बाय गाइज, टेक केयर, टाटा। ये पीछे सारे मेरे फैमिली भी खाना खाने के बाद में सो जाएंगे, रात के 10 बज गए हैं एंड मैं सुबह के 3 बजे तक एडिटिंग करने वाला हूँ। कितना मैं मेहनत कर रहा हूँ बट वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहे हैं।